प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे केंद्रीय वाहिनी नहीं है। दूसरी बात ये है हमेशा यहाँ वोट लूट होता रहता है। यहाँ का तृणमूल जो है वो हमेशा ही करता रहता है, जो मर जाता है उसका भी वोट देता है, जिसका वोट हुआ नहीं है वो भी आके वोट डाल के चला जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ केंद्रीय वाहिनी जब तक ना आए हम वोट करने नहीं देंगे। हमारा लास्ट का ऊपर से जाके ये लोग वोट करेंगे जब तक ना वो लोग केंद्रीय वाहिनी देंगे, यही हमारा कहने का मतलब है। और यहाँ वोट तब तक बंद रहेगा जब तक केंद्रीय वाहिनी नहीं आता। मैं यहाँ पे केंद्रीय वाहिनी सब तरफ थे तो सब बूथ में केंद्रीय वाहिनी है। यहाँ तृणमूल का बहुत ये है, क्या बोलते हैं, प्रभाव बहुत है। इसी चक्कर में ये लोग यहाँ नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर केंद्रीय वाहिनी आ जाए तो तृणमूल आराम से वोट डाल सकते, नहीं आ जाए तो आराम से वोट डाल सकते हैं। इसी चक्कर में वो लोगों ने केंद्रीय वाहिनी नहीं बुलाया। अब लोग डर रहे हैं। हम तो डरेंगे, हम तो हमेशा डरते रहते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा मार झोर का, ये पिछले साल जो इलेक्शन गया उसमें हमारा सब घर तोड़ के लूटपाट करके चला गया, सबको मारा, मगर ये लोग ने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम चुपचाप चुपचाप मार खाता रहा, तो दोबारा क्या हम ऐसे करते रहे? जब तक सेंट्रल फोर्स नहीं आएगा तब तक हम वोट करने नहीं देंगे।